गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम दोनों भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे लव मैरिज कपल के चैनल पे राहुल जगर लव स्टोरी, जो कि आप लोगों के हेल्प के लिए हमेशा जिंदाबाद रहते हैं। जब आप लोग पुकारते हैं तब हम लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ एक नया खाना ट्राई करने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ कि वो कैसे बनता है, नहीं बनता है। अगर कुछ कमी हो जाए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, जो लोग जानते होंगे इस खाना को बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी ब्लॉग में। तो देखिए, ये रहा मशरूम वगैरह कट रहा, ये रहा इधर। ये मशरूम की बात कर रही थी मैं कि पहली बार मैं सब्जी बना रही हूँ, पहली बार। हाँ, पहली बार ये मशरूम बना रही है, आज ट्राई कर रही है। अब देखिए कैसा बनाती है। अंदर वो खराब तो नहीं ना यार? नहीं, वो ऐसे ही रहता है। अच्छा, ऐसे पक्का कंफर्म ना? हाँ, देखे तो नहीं आंटी घर पे काटती थी तुम? मेरे को तो नहीं पता है निशा, तो मुझे पता है ना। अब आंटी तो यहाँ रहती नहीं है भाई, आंटी कहाँ चली गई बता दो। उनका कहीं और सेटअप हो गया, वो कहीं और शिफ्ट हो गए। हाँ, वो यहाँ मशरूम वगैरह काट रही है निशा जी। मैं आंटी को देखती थी मशरूम बनाते हुए, तो बस वही रेसिपी मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगी कि बस वैसा ही बने जैसे आंटी बनाती थी। टेस्टी रहता था, बहुत अच्छा लगता। हाँ जी, तो देखिए बन रहा है इधर मशरूम, टेस्टी टेस्टी। ज़रूरी बात बताना था ब्लॉग में, ये सब बता दिया करूँगा, और बाकी पर्टिकुलर का भी टाइम मिलेगा तो पर्टिकुलर भी बनाएंगे, एक ना निशा? तो बात ये है कि जैसा कि आप लोग सीएम के लिए कांटेक्ट करते हो मैरिज के लिए, आप हमारे से इंस्टा पे, तो एक लड़का साझ हुआ है बात, वो बता रहा था कि उसका जो है बहुत सारी यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब पे लर लोगों का, उन्हीं में से किसी से बात हुआ था जिन्होंने वीडियो में बोल रखा था जी 14,500-15,000 रुपये, और बाकी उससे टोटल अगर जो बात किया उनसे कॉलिंग पर, तो उन्होंने बताया 34,500 का चार्ज। आप बताइए भाई, वीडियो में बताया कुछ और वहाँ 34,000-34,500 का चार्ज बोला, उसके बाद विटनेस के अलग से 1500-1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी 3,000 रुपये और बढ़ा दीजिए तो 3,750 रुपये का चार्ज हुआ इंटीमेशन लगा करके। इसमें उन्होंने इंटीमेशन का बोला है कि 4,500 रुपये लगेंगे, बाकी मैरिज के चार्जेस थे, यानी 30,000 मैरिज के चार्ज, 4,500 इंटीमेशन का और 3,000 दो विटनेस का। बताइए किस तरह से लूटपाट हो रहा है। इसीलिए ना कहते हैं ब्रदर, आप लोग इतना मेहनत से पैसा वगैरह कमाते हुए यार जहाँ तहाँ फंसा दे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं हम सस्ते से सस्ते हम आपका जब करा देते हैं 15-16,000 में, फिर क्या दिक्कत है भाई। आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है? मत परो चक्कर में, कोई नहीं है राहुल भाई के टक्कर में। इंस्टाग्राम पे उस भाई ने कांटेक्ट किया मेरे से, तो A to Z बताए, अब वो बंदा मेरे थ्रू करेगा, मतलब हम जाकर के उसका मैरिज वगैरह कराएंगे। वो इसलिए मेरे से कॉन्टैक्ट किया ना, मतलब भैया उस यूट्यूब वाले से मेरे को ट्रस्ट था, बट आपका वीडियो देख करके जो आपसे ट्रस्ट पैदा हो रहा था वो नहीं था। तो मुझे चाहिए था जी ऐसा बंदा जिस पर मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकूँ, मेरे साथ कोई अरोड फ्रॉड ना हो। बोले कोई नहीं ब्रदर, तब हम आपका कराएंगे, पर हम पूछे कि क्या चार्ज लिया था वो, है कि नहीं निशा? और सुबह सुबह ही बात किए थे लगभग 10:30-11 बजे के लगभग, तब देखे बोले वाह यार गजब। तभी हम लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। हाँ, तो सोचो चलो इस बात को थोड़ा सा बता देते, आप लोग भी ध्यान रखिए भाई, इधर उधर क्यों बातें करते हो जाकर के, जब हम सब कुछ कराने के लिए तैयार ही रहते हैं ब्रदर, फिर आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? आप लोग के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं भाई, बस आप लोग भी ये करो कि हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नहीं रहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए बस। बाकी सपोर्ट के लिए आपका भाई हमेशा जिंदाबाद है, जब तक रहेगा जान तब तक सपोर्ट करेंगे भाई आप लोगों को, है कि नहीं सर? बिल्कुल। फिलहाल तो भी बेचारी वो देखो लहसुन काट रही है, वो रहा मशरूम, इधर रहा ये रहा हाथ में दिखाई थी अभी लहसुन, और वहाँ पे दिख रहा होगा आपको मटर। ये थोड़ा सा मटर डालने वाली हूँ। हाँ। टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब फूलगोभी भी डालेगी ना? फूलगोभी नहीं डाल रही राहुल, हम बोला तुम फूलगोभी भी डालोगी? नहीं। हाँ, बढ़िया लगेगा इसमें। हाँ, देखते हैं। चलिए जी, देख और चाय और ये फैन तो खा करके ख़त्म कर दिया हूँ, अब खा रहा हूँ फरीदाल मोट, वहाँ रहा मशरूम वगैरह रखा हुआ, निशा गई हुई आलू धोने के लिए, वो आएगी तो फिर दिखाएंगे, तब तक उधर देख लीजिए, तब तक मैं कुछ बहुत खा लेता हूँ। और ये देखिए हमने मशरूम को पीस 4 पीस में कट कर लिया है और इसको धो लिया है अभी, और इसमें आलू भी डालना है मुझे, आलू को भी मैंने काट के धो लिया है। और ये रहा लहसुन, प्याज, मटर, धनिया पत्ता, कच्चा मिर्च, ये सबको मैं भी थोड़ा काटूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी मैंने मशरूम को कढ़ाई में डाल दिया, उसमें तेल डाल के फ्राई कर रही हूँ मशरूम को, और नेक्स्ट बार में मैं करूँगी आलू को फ्राई ऐसे ही तेल में डाल के। आलू भी मैंने फ्राई कर लिया है, मशरूम भी मैंने फ्राई कर लिया, ये रहा मशरूम, ये रहा आलू, आलू को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और अब मैंने कढ़ाई में डाला है
तेल, तेल के बाद तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डाल देना है और गरम मसाला के खड़ा मिर्च वो डाल देना है और पतरस डाल देना है, उसके बाद डाल देना है प्याज और कच्चा मिर्च। उसको हल्का सा लाल भूनना है, पूरा लाल नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही लाल भूनना है। उसके बाद सारे मसालों का मिश्रण करना है। प्याज में मैंने आलू भी डाल दिया है, ये दोनों को साथ में फ्राई में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए दोनों को भूनना है और उसके बाद मुझे सारा मसाला डालना है। और ये मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, जीरा, गोल की जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक, धनिया और अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। टमाटर हो गए और अब मैं इसमें डालूँगी मटर। तो इन सबको मिलाने डालने के बाद अब मैं इसे करूँगी मिक्स। मिक्स करके मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि ये कढ़ाई को थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। तो इसमें सबने सारे मसाले को मैंने अब मिक्स कर लिया, इसे मिला भी लिया और अब मैं इसमें डालूँगी मशरूम जो कि यहाँ पड़ा हुआ है मशरूम। इस मशरूम को मैं इसमें मिलाऊँगी। पाँच मिनट मशरूम के साथ भी इसको भूंजना है और उसके बाद इसमें पानी डाल देना है। पानी डाल देने के बाद इसमें इसमें धनिया पत्ता भी डालेंगे काट कर। अभी धनिया पत्ता हमने काटा नहीं, देखिए वैसे ही रखा हुआ है, इसे भी हम कट करेंगे इसे पानी डाल देने के बाद। और हमारा चावल बन के हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये देखो आप, ये हमारा चावल जो कि बन के रेडी हो गया है। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, देख लीजिए। और अब मैं इसे ढक दूंगी ढक्कन से इसके। ये मैंने ढक दिया है, अब पानी को अपनी ओर खींचेगा। हल्का सा ग्रेवी रखना है मुझे क्योंकि चावल के साथ खाना है इसीलिए। और ये धनिया पत्ता कट के हो चुका है रेडी बिल्कुल भी इसमें कढ़ाई में जाने के लिए। आए निशा, कौन सी देख रही है? ये मूवी है, बड़ी देखती है तुम फेसबुक पे। वो नहीं देखता, तुम्हारे से तो कम ही देखते हैं निशा, इतना तो हमें भी पता है, समझी? देखता है ना बस, बहुत कम हम देखते हैं। देखिए वहाँ बन रहा है सब्जी, जल्दी से बनने दी, ध्यान भी दो सब्जी का, सिर्फ मूवी में मत डूब जाओ। जल कैसे गया था? आग निकला था वहाँ से, गैस तर से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था, आग के पास जा रहा हो गया। रेडी क्या? हाँ भाई, खतरनाक, पहली बार खा रहा हूँ यार आलू और मशरूम। खाओ खा, सच में फर्स्ट एक्सपीरियंस। आंटी खाते थे फूल गोभी, मटर भी है ना? हाँ मटर भी है। चखी है या नहीं? एक बार ट्राई कर लेती ना चख के। ओ भाई कवर भी हो गया। सो देखिए हमारी जाने मन निशा जी जो कि प्यारी प्यारी हाथों से, अपने क्यूट से हाथों से इतना प्यारा सा सब्जी बनाया है, टेस्ट में कैसा है वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा ना भाई। कितना देर में रेडी हो जाएगा? बस परसे में हो गया, वो रेडी है। तो परस हो गए, बंद कर दिए बंद हम दोनों के लिए। आज अलग खाऊंगा मैं क्योंकि टेस्टी टेस्टी होगा खाना, मुझे अलग से ही खाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी जल्दी खाना होगा। ये खिलाती है ना तो चुन चुन के खिलाती है, कौन कौन बढ़िया बढ़िया अपने रख लेती है तुम निशा। कैसे ऐसे बोल देता है, बहुत बार देखे हैं इसीलिए हम बढ़िया खाना रहता है। नहीं निशा छोड़ दो, हम खुद से खा लेंगे, कोई बात नहीं। रेडी है हमारा खाना, हो गया तैयार, स्मेल तो खतरनाक। अब इसको मैं टेस्ट करूंगा, निशा जी को रिव्यू दूंगा टेस्ट कर। तो राहुल अभी रिव्यू देने वाला है मेरे खाना का। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, पहले चावल ही चखता हूँ, चावल तो सही है। चलो मशरूम, निशा फर्स्ट टाइम तुम बनाई, ग्रेवी ठीक है। चलिए मशरूम का बच्चा लेता हूँ छोटा सा,
हाँ बहुत अच्छा बनाई है, पर कहूँगा अंटी जैसा नहीं है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत अच्छा है, बट अंटी वाला इससे भी ज़्यादा अच्छा है। अगर जो रेटिंग देने की बात आई, 5 में तुम्हें रेटिंग दिया जाए तो 4 दे दूंगा तुम्हें, 4.5 दूंगा आंटी को। 4 दोगे आंटी को, 4.5 क्यों दोगे फिर? फुल पे फुल ना दोगे उनको, वो अच्छा बनाती है वो तो। भी पूरा खतरनाक नहीं, जैसा रेस्टोरेंट में खाए तो वैसा आंटी का भी नहीं रहता है। हाँ रेस्टोरेंट तो भाई अलग। चलो फिर अब मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लगा हुआ है। इस ब्लॉग को यहीं रोकना चाहेंगे अब। अब मिलेंगे, कल जा रहे हैं कोर्ट मैरिज कराने के लिए कपल का, तो उस ब्लॉग में थोड़ा बहुत दिखाएंगे, ठीक है? इस ब्लॉग को यहीं रोकेंगे। अच्छा लगा होगा लाइक करना, और अच्छा लगा अगर जो तो कमेंट कीजिएगा थोड़ा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों से, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा आप दोनों, आप भी और आपके फ्रेंड भी। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, लव यू।